तो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं T800 Ultra स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो गाइस चलो बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस मेरे पास है T800 Ultra स्मार्ट वॉच और ये है मेरा मोबाइल फोन। तो चलो गाइस मोबाइल फोन से इसको कनेक्ट करते हैं। तो पहले गाइस हमको इस T800 Ultra स्मार्ट वॉच का हमको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। गाइस ये जो फोन वाला आइकन दिख रहा है इसको ऑन ही रखना है, मेरे में ऑन ही है गाइस। और हमको चलाना है अपने मोबाइल में। तो गाइस मोबाइल में जाने के बाद हमको इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। गाइस ये देख सकते हो हाई वॉच नाम का ये एप्लीकेशन है गाइस। तो गाइस इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को हमको क्लिक करना है गाइस और इस वॉच को हमको ऑन ही रखना है। और गाइस इसको आपको परमिशन मांगेगा, तो इसको आपको सबको एज और डन कर लेना है। आपको सब परमिशन ओके करके रखना है गाइस। और ये देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है और हमको क्लिक करना पड़ेगा सेट वाले ऑप्शन पे। तो सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है बाइंड डिवाइस टू एक्सपेंसिव मोर फ्यूचर्स। तो गाइस इसको हमको क्लिक करना है और इसको अलाउ कर देना है। और गाइस इसको ओपन पे क्लिक करना है। तो गाइस ऐसा ही लोकेशन का इसको ये मांगेगा, इसको एनेबल कर देना। और गाइस फिर से इसको क्लिक करना है, फिर से ये स्कैन करने लगेगा। आपका स्मार्ट वॉच को गाइस ऑन ही रखना है। तो गाइस ये देख सकते हो T800 अल्ट्रा ना बोल के एक ब्लूटूथ ये आ गया है। तो गाइस इसको क्लिक करना है, फिर ये कनेक्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो गाइस ऐसा कुछ बताएगा और देखो गाइस ये कनेक्ट होगा कुछ ऐसा करके। तो गाइस ऐसे ये कनेक्ट होएगा, कनेक्टिंग हो रहा है गाइस देख सकते हो, कनेक्ट होने के लिए टाइम लगेगा। देखो गाइस ये कनेक्ट हो चुका है। और गाइस इसमें होम पे आ जाते हैं और सेट पे आते हैं फिर से। तो गाइस इसमें अगर आपको ये जो थीम दिख रहा है गाइस इसमें आपका अगर फोटो लगाना है तो गाइस इसमें आप ऐसे करके लगा सकते हो। ये देख सकते हो गाइस ये कुछ फाइव नंबर पे देख सकते हो गाइस डायल सेटिंग लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है गाइस। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा डायल मिल जाएगा गाइस। ये देख सकते हो गाइस मेरे में थोड़ा नेट स्लो चल रहा है गाइस इसीलिए दिख नहीं रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो इतने सारे डायल मिलते हैं गाइस इसमें। देखो गाइस इतने सारे डायल मिलेंगे आपको। और गाइस इस डायल को अगर आपको एनेबल करना है इसमें से कुछ कोई भी डायल कर सकते हो गाइस, सब फ्री है गाइस। इसमें से अगर आपको कोई डायल यूज करना है गाइस, अगर इसमें लगाना है आपको कुछ डायल, तो गाइस मैं लगाता हूँ। तो गाइस मैं ये वाला डायल को इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले। तो गाइस ऐसा लोडिंग लेगा, उसके बाद इस पे काइंड रिमाइंड पे क्लिक कर लेना है आपको। फिर इसके बाद गाइस ये ऐसे इंस्टॉल होके देखो वॉच पे भी आइकॉन आ चुका है। और गाइस ऐसे ये इंस्टॉल होगा उसके बाद इसमें आ जाएगा गाइस। तो देखो गाइस थोड़ा इंतजार करते हैं, मेरा गाइस नेट स्लो चल रहा है इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, देख सकते हो आपके में जल्दी हो सकता है गाइस। तो गाइस कुछ ऐसा टाइम लेता है गाइस ये। तो गाइस ऐसे 25-20 ऐसे बस टाइम लेता है गाइस, उसके बाद जल्दी हो जाता है। तो देख सकते हो गाइस ऐसे कुछ कनेक्ट होता है ये वॉच, जिसमें गाइस ये देख सकते हो ऐसा कुछ आइकॉन आता है। और गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना गाइस। तो गाइस ये बता रहा है डिवाइस डिसकनेक्ट, दिखाओ गाइस। उसके बाद आपको देखो गाइस इसमें आया या नहीं आया गाइस। तो इसके बाद और एक बार आपको और एक बार ट्राई करना है इसको, ये वाले करते हैं गाइस फिर से आपको।